दिखा ऐप्स दिखा और बढ़िया पच्चीस भाई साहब कलाकार के लिए ताली बजा दो भाई। भाई मामा ऐसी मेहनत मारती थी पूरे फायर ब्रिगेड के अफसर। हेलो एवरीवन, भाई आज का जो व्लॉग है वो हम पूरा का पूरा शेयर करने वाले हैं अपने मामा के साथ। पूरा दिन मैं अपने मामा के साथ हूँ, कुछ मामा के काम है, कुछ उनके घर के काम है, और सबसे मेन चीज मेरी नानी बोल रही है कि बहुत दिन हो गए हैं और जो कि हो भी गए हैं, और पीछे मेरी सिस्टर है। Hello. वो उसको बोलते है पीढ़ी, बोलते पीढ़ी नाम इसका पीढ़ी। लो अभी आ गए हम वैद्य जी के घर पे, अभी यहाँ पे 10 से 15 मिनट का काम है सारा का सारा, बस थोड़ी सी मालिश और सिकाई और उसके बाद फिर गाड़ी लेके निकलते हैं। वे मरीज तो कैसा लग रहा है? आराम है? अभी आराम है, कदे कदे उसी समय सो सकता है जैसे तकलीफ ना। ये भाई अमित भाई डॉक्टर कह लो वैद्य कह लो देसी इलाज करता है भाई, आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक अमित है भाई। मैं नीचे ना डिस्क्रिप्शन में या इस पे स्क्रीन पे नीचे नंबर शो कर दूंगा, घुटने की दिक्कत या पूरी बॉडी में ना कहीं पे भी दिक्कत हो ना, हाँ डिस्क की सर्वाइकल की या किसी भी चीज़ की, ये कार्ड है भाई मैं शो कर दूंगा फोटो खींच के, ठीक है? इतना अच्छे से इलाज होता भाई, मैंने तो ना यहाँ पे 3-4 बंदों को रेफर किया था और सब के सब खुश हो गए हैं। मामा अब दोबारा बता दे, आराम है? आराम है। चलो बढ़िया भाई, निपट गया काम, अब बैठते अपनी गाड़ी में। मां जो कर रहा है काम तो करा है, ये देख दर्द का बीच कौन है अभी चले चलो। और भाई कितना टाइम और लगेगा अभी? भाई अभी तो ओचंदी बॉर्डर आए हैं, ये टोल प्लाजा। भाई अभी पहुंच गए हम खरखोदा, तो यहाँ से मामा को लेना अपना सामान। एक्चुअली मामा घर रेनोवेट करा रहे, पेंट करा रहे, तो पेंट का सामान यहाँ से लेंगे। अभी मामा लेके आए हैं कि भाई कलर चूज कर देना कौन कौन से कलर हो। ये बड्डे मामा का लड़का है, इसने ये कंपनी पर लड़की शुरू हुई है, मेरे तो ये बड़ा अलग अलग है भाई साहब। गाइस सामान देखो, ये घर का सीधा करते फोन है, ये घर का सामान है सारा का सारा। और ये तो बड़े कैमरामैन भाई, 6 बाल्टी ऐसी है FX की और गाड़ी बिल्कुल बैठ गई पीछे से। फिलहाल तो इट्स टाइम टू टेक सम पानी पूरी स्पाइसी, गोलगप्पे का टाइम आ गया भाई। खरखोदे की मार्केट जहाँ से आप नॉर्मली फल फ्रूट से या कुछ भी ले सकते हो। तो गाइस अब हम आ गए मार्केट में, यहाँ पे हमें नवरात्रि का सामान लेना है। ले लो ना, मैं खा रहा हूँ संतरा, चोरी किया हुआ हमारा वाला सामान डाल रहे हैं। ये नवरात्रा के लिए लड्डू है, सामान ले रहे हैं। अब हम जा रहे हैं मार्केट देखने। चलो गाइस ये सेल है पजामों की, 200 रुपये में पजामा मिलेगा आपको, नहीं और ज़्यादा तो नवरात्र। ये देख रहे हैं सामक्या जो फास्ट करने वालों के लिए होता है। और अब हम चल पड़े हैं गाइस दूसरी शॉप पे, और ये अभी और सामान बचा हुआ है ये ले रहे हैं। और ये देखो छेड़खानी करते हुए रोड क्रॉस कर रहे हैं जैसा कि आगे जा रहे हैं। और हमारी शॉपिंग खत्म और यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी, इसलिए हम गाड़ी के पास जा रहे हैं और फिर चलते हैं घर के लिए। देखो भैया को चिंता हो रही है कि गाड़ी पीछे से बैठ गई क्योंकि उसमें पेंट्स की बहुत सारी बकेट्स हैं। और ये देखिए अभी गाड़ी में भी बैठने की जगह नहीं बची, इतना सामान हो गया है। गाड़ी आगे से ऐसे लग रहा है जैसे उठी उठी है। हाँ और इसको बहुत चिंता हो रही है इस चीज की। बस चिंता होनी बनती है,
और पीछे डिग्गी में तो सामान ही देख ही लिया, और ये आशी आ गया है ठीक है, और आशी की गोद में आ गया सामान आशी की, और ये देखिए कितना सारा सामान है, और डिग्गी तो फुल है। हमारे लिए एक गिलास बनवा देना हम दोनों के लिए। चलो भाई ये आ गई है वो जगह जहाँ पे ना मैं मामा के घर जब भी आता हूँ ना, तो ये गन्ने का जूस पी के या तो जाऊँगा या फिर आते टाइम पीऊँगा। यहाँ का जो गन्ने का जूस पीता है ना मज़ा आ जाता है भाई, कम से कम आधा दिन है ना ऐसे निकल जाता है। बिल्कुल प्योर गन्ना लेते हैं और ऐसे रसीला ऐसे तोड़ते हैं ना, तोड़ने के बाद भी और ये जूस का इंतजार करते हुए, और ये हमारी वधू है। वार है स्वाद ला दिया भाई, गिर दिया ये बड़ा गिलास भाई अपने दी बनवाया मैंने। आह वाह जी वाह, ये पी रहे हैं जूस, और वो देखिए ये बड़ा गिलास ये छोटा, और पापा ने खत्म कर लिया अपना जूस ही था, एंड ये बॉडी बिल्डर वो था रोहतक वाला हाईवे, ये हाईवे ही बोलते है, रोहतक वाला रोड है सीधा खरखोता से। ये वो मोड़ है जी, ना अच्छा कुछ भी हो ये भाई दादी प्लासन, यहाँ के ना आसपास के सारे गांव यहाँ की बहुत मान्यता करते हैं। पूरी प्रॉपर्टी देख रहे हो सारी की सारी इस मंदिर के अंडर में ही आती है। हर पूर्णमासी को एक बहुत विशाल भंडारा होता है देसी घी का, और जो कि ये एंट्री यहाँ की, कभी मौका मिला ना अंदर जरूर लेके जाऊंगा, बहुत मान्यता है। ये आ गया भाई मेरे मामा का गाँव और ये मंदिर है यहाँ का। ये भाई देखो भाई गाँव वाली लाइफ, ये हो गई है गांव में एंट्री, और मेरे का मामा का गांव, और ये खड़ी मामा की गाड़ी। हैव अ लुक ऑफ दिस होम जी, अगर अभी पेंट होना है इस पे, और ये पूरे एरिया में है ना 10 साल पहले ही बनाया था यहाँ पे, और एक अंदर है जो जहाँ पे पहले रहते थे। ये हमारी गाड़ी होगी, और ये स्पेशल सिर्फ गाड़ी खड़ी करने का, यहाँ पे 4-5 गाड़ी आराम से आ जाती है अंदर तक, और अभी मैं एंट्री कर लेता हूँ। ये सामान और ये सामान पूरी गाड़ी पीछे से बैठी हुई थी। यो भाई मेरी नानी इस तरह लौट रही है, बीमार है लेकिन बीमार ना भाई, सारे काम निपटा कर लौट रही है ठीक है। और भाई इनका ना उलाना था, उलाना बोलते हैं कंप्लेंट कि भाई तू आता नहीं आगे। ये ठीक से राम राम कर दे सब ने, राम राम सब। हाँ अभी भाई मैं थोड़ी बात कर लूँ नानी थे, भाई कंपटीशन हो रहा है, चल भाई तू 100 मार्क दिखा दे, चल तू भी क्या मारा करे, तू कितनी मारेगा, 60 लागे तू 100 मार दे, तू 100 मारेगा ना, चल भाई। वह नाची कह रहा है कि ना मैं 180 सपाटे मारता हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ कि 100 मार दे, तो 100 मार दे है ना ठीक है। चल भाई आज 100 सपाटे अगर इसने मार दिए ना, तो आईफोन 11 इसकी तरफ, इसके लिए भाई मैं किस्ते भी ले, चाहे मैंने किडनी बेच नहीं पड़ू। जो सबके सब ना अब तैयार हो चुके हैं, और कुछ लोग अंदर से आ रहे हैं। लिया है भाई, लिया 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 जल्दी लिया भाई, कलाकार की माँ 10 रुपए दान देते हुए दिखा सी मार्ग दिखा भाई, मामा ऐसे मेहनत तो मारते थे अरे फायर ब्रिगेड के अफसर यहाँ क्यों करे बका ले भाई, वो स्त्री का लाना गिर जाएगा। लड़के ने जिम्मेदारी ली है कंपटीशन की, चलो भाई ये
चल भाई एक दो तीन 24 25 भाई साहब कलाकार के लिए ताली बजा दो भाई 26 चल 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 हम भाई चल से चल लास्ट मना ले रेस्ट अरे पोते दी के कहोगी किसी मैंने सवाल बड़ी हमारी चल आयो दो तीन चार फिर वो एक रहे फिर वो इच्छा ना पकड़ ले बीस भी ना होगी क्या होगी मन दो तीन फिलहाल भाई मैंने बनवा लिए चावल और लस्सी यही और ये घी का डब्बा मेरे पास रख दिया। यहाँ पे ना खाने पीने का देसी हिसाब का ही मज़ा है भाई, मतलब हफ्ता 10 दिन आप यहाँ पे रह जाओ आपके ना शरीर में एक अलग ही एनर्जी आपको फील होगी। देसी बाड़क गाँव आ गया यहाँ पे वही चलता है। यो भाई दूध निकाल ले मेरे मामा कैसे लगा? भाई ये है मामा के यहाँ पे शाम का नज़ारा। मैंने सुबह बताया था ना कि भाई यहाँ पे एक विद्रोह है, इस नहर को विद्रोह बोलते हैं। 8 नंबर ड्रेन ना, तो ये 8 नंबर ड्रेन है, मैं दिखाता हूँ। और ये भाई मामा के चाचा था, वो मैं छोटा भाई मामा का ही लड़का है। ठीक, क्या नाम भाई? नितिन बखेतिया। भाई बहुत होशियार बच्चा है भाई, पढ़ाई में ऐसा और सपाटे में ऐसा। ठीक, मैं दिखाता हूँ आपको। जंगल से देखो भाई, यहाँ से इतना पानी आ जाता है कि आपका एक ट्रक डूब जाए, एक क्यों दो ट्रक डूब जाएंगे। ये दिखने में थोड़ा शायद छोटा लग रहा होगा लेकिन बहुत बड़ा है। चीज़ और बता दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि भाई ये गरीब है या फिर पिछड़े हैं कि भाई भैंसों का दूध बेचते हैं ऐसे करते, आपको मैं एवरेज बता दूँ, अगर किसी के घर पर 2 भैंस है ना और वो 2 भैंसों में से सिर्फ 1 भैंस का दूध बेच के काम चला रहा है तो महीने के 55 से 60 हज़ार रुपये कमा रहा है। अब आप अंदाज़ा लगा लो, इतना प्यारा नज़ारा है सनसेट का यहाँ पे भाई। शाम को तो मतलब हर कोई यहाँ पे घूमने आता है। कि मैं भी एक गांव से ही बिलोंग करता हूँ तो हमें तो पता ही है, हम हर बंदे को मतलब मोस्टली 90% बंदों को तो हम फेस टू फेस और नाम से जानते होंगे। तो ये गांव की लाइफ है। तो आपको ईख, ये है गन्ने की खेती, और ये गन्ने अभी रेडी हो चुके हैं शायद और 15 दिन में या महीने में ये काटने लायक हो जाएंगे। और इसी के सामने ये है धान चावल जो आप खाते हो, ये है बासमती चावल की खेती जो मेरे मामा ने भी एक खेत में लगा रखे हैं, ये किसी और के खेत हैं। ये भाई जब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, शायद मेरे नाना के टाइम से पता नहीं कितना पुराना बड़ का पेड़, बड़ का ही ना ये, कितने मार देगा भाई रे, पूरा ये ले रहा मैं जाकर भाई साहब रा सुल्तान कर दे चढ़ाई वार है भाई मेरे, जान ले रहा तू तो उस्ताद भाई। इसमें एक बार चढ़ने में ना हालत ऐसी खराब हो जाती है, भी चढ़ जाता था लेकिन अभी प्रैक्टिस छुट्टी हुई है ना। इसका सीन क्या है, आप ना अगर भाई किसी ने पहले चढ़ा हो और वो बहुत दिनों के बाद चढ़ रहा है तो इस पे ना चढ़ तो जाएगा लेकिन जब हाइट पे चला जाता है ना तो वहाँ से आने की हिम्मत नहीं होती, तो स्लिप करेगा तो कई हो गए ना हाथ छिल जाते हैं, ये इसका थोड़ा सा लॉजिक रहता है। उन्हें अखाड़ा तैयार कर लिया भाई, ये अभी इसमें पानी वगैरह डाल के इसको खोलेंगे। ये भाई ये बंदे तैयार हो रहे हो भाई, जय बाबा की, जय बाबा की भाई, ये बंदे तैयार हो रहे हैं। अरे भूखे के कुछ भी नहीं है भाई, ये छोटे छोटे बच्चे जो मतलब मेहनत वगैरह तो मारते ही है, अपना अच्छा शरीर तैयार कर रखा है। इस तरफ आगे दिखा, इधर दिखा, अरे इधर दिखा, बैक नहीं, कब्जे दिखा दे, बढ़िया है चोरी भाई साहब, बढ़िया बढ़िया खेच कर लो भाई। बोले अगर खाड़ा खोल दिया ना पहले
पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद उसके बाद खाड़ा खोल दिया। अब इसमें भाई बच्चे अपनी कुश्ती वगैरह मेहनत वगैरह करेंगे। तो भाई इस लड़के की एज ना ऐसी होगी 14-15 साल। दिखा ऐप दिखा और बढ़िया है छोरे। तू क्या भी चुते लगी भाई लगी कोरा लगी दिन उठे जागा दिन उठे जागा तेरे तो फालतू ये टपाओगा दो मना लगी भाई ये बात है तेरी ये लाची होना ये जो स्पिन है कोई फायदा नहीं तेरे कुछ आ जा मैं तेरी कसम है वो एक और नहीं क्या साला बढ़िया। अरे गुड्डी मां हाथ घेर के जोर तो मारो कम से कम इसकी से नहीं हो ज्ञान जी बाबा सुनाए बता। अरे नकली इतना तो मिल भी रहा है फिल्म हम देखा भाई यहाँ पे कोच बनते हुए खाम खा गए भाई 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 क्यों गया क्यों गया रे। अरे मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। मैं एक कुआ यहाँ पे बोलते कुई भाई बच्चे जितने भी भाई ना के मेहनत करके अपने आप को रिलैक्स करके ना इसमें नहाते हैं। यहाँ बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना शुद्ध पानी, ये चोए का पानी होता है चोआ। ये कभी भी है ना 12 महीने में कभी भी नहीं सूखता, ये हमेशा भरा ही मिलेगा आपको। भाई अखाड़े से आगे बाहर अब चले हम घर की तरफ क्योंकि अंधेरा होने लग गया है और मुझे वापस दिल्ली भी जाना है। अभी मतलब गाड़ी से आया हूँ तो मुझे कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है, स्कूटी से होता तो मैं जल्दी निकल जाता और शायद ये नाची भी मेरे साथ निकले शायद। क्या चल रहा है? हाँ ठीक है। बाकी भाई यहाँ की लाइफ है ना देख के इतना मज़ा आता है, मतलब फ़ोन वाली जो लाइफ है ना फ़ोन में पूरा दिन घूमना मतलब पूरा दिन फ़ोन में ही रहना वो सब दूर दूर तक कहीं पे भी नहीं है। और भाई जो हमारा बचपन था ना उस टाइम फ़ोन भी नहीं थे तो बंदों की भूख होती थी भी कोई मिल जाए बात करने को खेलने को कंचे वगैरह, तो वो चीज़ें ना यहाँ पे आके दिखती है आपको। कभी इन फ्यूचर आप आओ तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और ये मौसम भी ऐसे चल रहे हैं कि ना गर्मी ना सर्दी, मीडियम मौसम है, बड़ा अच्छा लगता है भाई। सादा सपाटे सादा सुंदर शरीर है ना ठीक है वाला डले थोड़ी देर में मिलते हैं। देख होली ना हालत खराब है भैया पर या वो बैठे लीला कौन बैठे लीला उड़ कुर्सिया पे। अब देखिए तू नाम बता दे इस दांत में ना पड़ा नाम बता भाई। अरे कुछ तो मेरे मदर के यो है भाई मेरे बचपन जब थी हमने लंगोट भी बांध रहना सीखा था जब का यार दोस्त भाई मेरा कदी खास है। और भाई यो एक रामू क्या है वैसे परवीन नाम है, यो मेरा बिल्कुल दूसरा भी दूसरा राम भरीश के पापा का नाम भाई। और भाई यो है मेरा दूसरे नंबर का खास मित्र यार है ठीक। और यहाँ पर बस यही लाइफ है भाई, शाम में घूमना पूरे दिन अपना काम या स्टडी जो भी करनी है शाम में घूमना फिरना मस्ती करना मजा आता भाई बिल्कुल। सो फाइनली भाई मैंने सबको टाटा बाय बाय कर दिया है, अब मैं चला अपने घर पे। थोड़ा सा लेट हो गया है लेकिन कुछ दोस्त मिल गए थे तो टाइम लग ही जाता है। मैं पूरा दिन ना इतना अच्छा गया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने ये फ़ोन है ना व्लॉग बनाने के लिए यूज़ किया है, अदरवाइज ये फ़ोन तक यूज़ नहीं किया मैंने, इतना मज़ा आ गया। अभी है ना रास्ते में रुके हैं, अगर कभी भी आओ ना खरपोता के बिल्कुल मोड़ पे ये गमले का गोदाम बना रखा है इन्होंने, जो दिल्ली में 150 रुपये का गमला होगा ना खाली, अभी देखो कितने बड़े बड़े गमले हैं ठीक है। ये मैंने पूछा था 120 का था दिल्ली में और यहाँ पे आपको मिल जाएगा मात्र 35-40 रुपये का, तो जब भी चाहिए यहाँ से उठा लो आप। सो इट्स टाइम टू एंड दिस ब्लॉग और चलो चलते घर पे। ओके टाटा बाय बाय टेक केयर।